नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पर बोले डिप्टी सीएम, सख्ती से इंप्लीमेंट करने में क्या बुराई, कहा पहले का आदेश है उसका पालन कर रहे हैं, सीएम के आदेश को बताया सही फैसला। सांसदों के निष्कासन पर भी बोले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कहा भाजपा के अपने निर्णय लेकिन समाज में फूट ना पड़े, प्रदेश सरकार के निर्णय से समाज पर असर ना पड़े। 4 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली रवाना हुए कमलनाथ। सीएम के निर्देश पर एक्टिव हुआ प्रशासन, शांति समिति की बैठक का आयोजन, सीएम के निर्देशों की दी गई जानकारी, नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश। खुले में मास्क की बिक्री पर एक्शन, पुलिस ने टीम के साथ किया निरीक्षण, नियम ना मानने वाले दुकानदारों का सामान जब्त, मीट विक्रेताओं ने जाहिर की नाराजगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पर डिप्टी सीएम बोले, उन्होंने कहा कि सख्ती से इंप्लीमेंट करने में क्या बुराई है, पहले का आदेश है उसका पालन कर रहे हैं, सीएम के आदेश को सही फैसला बताया। दूसरी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सांसदों के निष्कासन पर भी बोले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने कहा कि भाजपा के अपने निर्णय लेकिन समाज में फूट ना पड़े, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णय से समाज पर असर ना पड़े। 4 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली रवाना हुए कमलनाथ। तीसरी खबर घटिया से है, जहां पर सीएम के निर्देश पर एक्टिव हुआ प्रशासन, शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम के निर्देशों की जानकारी दी गई, नियमों को सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए। चौथी और आखिरी खबर खरगोन से है, जहां खुले में मास्क की बिक्री पर एक्शन हुआ, वहीं पुलिस ने टीम के साथ निरीक्षण किया, नियम ना मानने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर किया गया, वहीं मीट विक्रेताओं ने नाराजगी जाहिर की। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण के कारण धार्मिक स्थलों के साथ अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कई जगह काम भी शुरू हो गया है और मंदिर मस्जिदों के साथ अन्य जगहों से लाउडस्पीकर हटने लगे हैं, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से आबिद मुमताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब नए सीएम मोहन यादव पदभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे, मुख्यमंत्री ने ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर प्रतिबंधित कर दिया है, इस पर डिप्टी सीएम की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपका क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से रितिका, जिस तरह से जब सीएम पद की शपथ ली और उसी दिन जो है मुख्यमंत्री एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आए, जहाँ उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्र पर अंकुश लगाने, यानी जो हाई सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाने के लिए धार्मिक स्थलों पर कुछ डिसिमल का जो है आदेश दिया था, और वहीं अब इसको लेकर कलेक्टर ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की और ये बात पर फैसला हुआ कि निश्चित अवधि जो होती है लाउडस्पीकर की उसको यहाँ पर चालू किया जाए, तेज आवाज वाले जो लाउडस्पीकर है उनको यहाँ से हटाया जाए। तो निश्चित रूप से इसमें जो एक एक्शन जो मूड नजर आया उसमें साफ तौर पर प्रदूषण की बात यहाँ पर सामने आई थी कि प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जाए, और उसको देखते हुए ये यहाँ पर जो है इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर शुरू भी हो चुकी है, और मैं लगभग लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वही बात करें उप मुख्यमंत्री जगदीश जोड़ा का, तो उनका कहना है कि आदेश का पहले ही सख्ती से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है, यानी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब आदेश निकला है उसका जो इंप्लीमेंट है उसको किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, और आदेश का पालन करवाना ये जिला प्रशासन का काम है, और जिला प्रशासन तमाम अपने संसाधनों से लैस है, और इस तरह से जिला प्रशासन जो है वो इन आदेशों का पालन करवाए। आबिद, इसी के साथ ही डिप्टी सीएम ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया, क्या कुछ कहा है देवड़ा ने डिग्गी को लेकर? देखिए, दिग्विजय सिंह ने संसद में घुसे युवाओं को लेकर एक ट्वीट करा था, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस प्रकार का वक्तव्य देना
मुझे नहीं लगता है कि तरसंगत है। दिग्विजय सिंह आतंकवादियों का भी सम्मान देकर बात करते हैं, दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है और जिम्मेदार नागरिक है, उन्हें बेरोजगारी से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। वही इस तरह का जो ट्वीट आया था दिग्विजय सिंह का, उसका जो है जवाब यहाँ पर डिप्टी सीएम देवला ने यहाँ पर दिया है नीतिका जी। अबित, सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश भर में लगातार लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है। कई लोग ऐसे हैं जो जिनका ये कहना है कि धर्म स्थलों से इस तरह का आदेश नहीं होना चाहिए, धर्म स्थलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, और कई लोगों का कहना है कि जो आदेश दिए गए हैं वो न्याय संगत है, ऐसी ही कार्रवाई यहाँ पर होना चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक है आरिफ मसूद, उनका कहना है कि पीएम को ऐसी घोषणा करने से पहले जो है रोजगार की बात करना चाहिए थी, किसानों की हित की बात करना चाहिए थी। वही रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कुछ भी मंदिरों से जो है लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति में मध्य प्रदेश की गरमाने लगी है। रितिका जी, आबिद, नए सीएम के आदेश का किस तरह से पालन किया जा रहा है? कार्रवाई के दौरान किसी तरह का कोई विरोध या विवाद की स्थिति भी बन रही है? नहीं रितिका, विवाद की स्थिति तो ऐसी कुछ भी नहीं बनी है, क्योंकि कलेक्टर जो है वो सभी जो धर्म गुरु हैं उनको लेकर साथ चले हैं और उनकी पहली बैठक भी उन्होंने यहाँ पर ली है। पहली मार्च विक्रेताओं की बैठक भी लेकर उन्होंने आदेश का इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहा है, आदेश का पालन करवाने को कहा है जो सीएम ने यहाँ पर दिए हैं। तो विवाद जैसी स्थिति अभी यहाँ पर नजर नहीं आई है, खासकर भोपाल की बात करें तो रितिका जी। आबिद, तो एक खबर थी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण के कारण धार्मिक स्थलों के साथ अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कई जगह काम भी शुरू हो गया है और मंदिर मस्जिदों के साथ अन्य जगहों से लाउडस्पीकर हटने लगे हैं। दूसरी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सांसदों के निष्कासन और मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने दिल्ली रवाना से पहले इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष मालवीय छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सांसदों के निष्कासन पर क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने? देखिए रुचिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा कमलनाथ पहुंचे थे, जहां पर सारी विधानसभाओं ने सभाओं में उन्होंने जाकर धन्यवाद जनता का धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि इसके पहले भी 5 वर्ष पहले भी सातों की सातों सीट जो थी वो छिंदवाड़ा की कमलनाथ के पास थी, और अभी फिर सातों की सातों सीट कमलनाथ के पास है। उन्होंने सांसदों के निष्कासन को लेकर उन्होंने जो कहा है कि दिल्ली रवाना होते उन्होंने कहा है मीडिया चर्चा के दौरान कि आने वाला जो समय होगा वो एक अच्छा होगा और अभी उसमें फोकस चल रहा है। जी आशीष, दोनों ही पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है और जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा रुचिका जी, मीडिया से जब जाते समय मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि सांसदों के निष्कासन से भाजपा लोकसभा बने रहने की कोशिश में जुटी है, मध्य प्रदेश की नवगठित भाजपा सरकार के द्वारा जो अभी लाउड स्पीकर बजाने को लेकर जो बयान जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि भाजपा का अपना निर्णय है, लेकिन इससे समाज में टूट ना पड़े इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मध्य प्रदेश संप्रदाय सद्भाव और एकता का प्रदेश है, जहाँ सभी धर्म जाति और वर्ग के लोग भाईचारे से रहते हैं। जी आशीष, कमलनाथ के इस बयान के बाद बीजेपी के द्वारा क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अभी इसमें भाजपा के लोगों से कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर तो नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाला समय जो होगा और प्रतिक्रिया भी आएगी। जी आशीष, तो एक खबर थी छिंदवाड़ा से, जहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सांसदों के निष्कासन और मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने दिल्ली रवानगी से पहले इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडियाओं से सवालों के जवाब दिए।
तीसरी खबर घटिया से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद प्रशासन एक्टिव दिख रहा है, जिसको लेकर उज्जैन के घटिया में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, घटिया में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, ताहिर बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? शपथ के बाद जो आदेश जारी हुए हैं, आदेश के बाद पूरा प्रशासन अमला हरकत में आया था, उसको ही लेके उज्जैन जिले की घटिया तहसील में शांति समिति की जो बैठक रखी, उसको बैठक की अध्यक्षता अपने एसडीएम रंजना पाटीदार के नेतृत्व में रखी गई थी। उसमें जितने भी मस्जिद के सदर हैं और मंदिरों के पुजारी हैं और ग्राम के वरिष्ठ जनों को बुलाकर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि मंदिर और मस्जिद जो भी धार्मिक स्थल है उनपे जो भी स्पीकर और ध्वनि प्रसार लगे हैं उनकी क्षमता के अनुसार चलाना है, और हर जो भी धार्मिक स्थल है उस पर सिर्फ 2 चिलम लगी रहेगी, उससे अधिक नहीं रहेगी। उसके चलते सभी पुलिस विभाग द्वारा आज चिलम उतरा दी गई है, और वहीं एक और है कि अंडा मांस मछली को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें तो अंडा मांस मछली को जो रोड पे जो संचालित करते हैं दुकान, उन दुकानों को हटवाई जा रही है और उनको दूसरी जगह दी जाएगी, साथ ही उनको लाइसेंस अवेलेबल कराया जाएगा नियम अनुसार। जी ताहिर, बैठक में और कौन कौन मौजूद था? बैठक में जनपद से अधिकारी आए हुए थे, थाना प्रभारी थे, और गांव के सारे वरिष्ठ लोग एकत्रित हुए थे। उनने सहमति भी जताई और अन्य मुद्दों पे भी उनकी चर्चा हुई है, जिस पर संतुष्ट पूर्ण एसडीएम द्वारा जवाब दिए गए हैं उनको। जी ताहिर, ताहिर सीएम के निर्देशों की जानकारी दी गई, क्या क्या जानकारी दी गई, विस्तार से बताइए। सीएम के वही जो स्टार्टिंग में जो मामला था कि मांस मछली अंडे की जो दुकान जो संचालित खुले में जो संचालित हो रही थी, उनसे जो खुले में संचालित होने दुकान बंद कराई जाए, और जो रोड पे जो लग रही थी दुकान, उन दुकानों को भी बंद करा के कहीं भी ऐसी जगह दी जाए, या तो गांव के बाहर हो या फिर उसको पर्दे में दुकान संचालित की जाए। साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है, ग्राम पंचायत को बोल दें अपन, ग्राम पंचायतों द्वारा उनको लाइसेंस अवेलेबल करवाए जाएंगे और नियम के अनुसार। साथ ही जो इसका जो ध्वनि प्रसार का जो बात हुई है धार्मिक स्थलों की, धार्मिक स्थलों पे जो कई जगह कई स्पीकर है ना, ये जिस हिसाब से चलाते थे अधिक ध्वनि में, उन अधिक ध्वनि वालों को बंद करा के कम ध्वनि के लिए सिर्फ 2 चिलम करवाई गई है, और उसका सुचारू रूप से पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई भी जारी कर दी गई है इनके द्वारा। जी ताहिर, नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, इससे पहले की क्या स्थिति थी ताहिर? इससे पहले जैसे कि शादी ब्याह में उसको भी लेके गाइडलाइन नहीं है, कितने डेसिमल पे स्पीकर आपको चलाना है, उससे क्या है कि आम जनता को जो परेशानी होती है, कोई अटैक का मरीज है, कोई बीमारी है, चिड़चिड़ापन आता है, मैडम ने बताया था इस बारे में सभी को, उसकी भी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। अगर गाइडलाइन का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की भी विभाग द्वारा बात की गई है उसमें। जी ताहिर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई या अभी कार्रवाई नहीं की गई? जी हाँ, इसको लेके पुलिस विभाग द्वारा सभी भ्रमण किया जा रहा है, जहाँ जहाँ ध्वनि प्रसार के जो यंत्र लगे हैं धार्मिक स्थलों पर उनको जाके स्पीकर उतराए जा रहे हैं अभी, और उनको बताया जा रहा है किस हिसाब से। साथ ही जो डेसिमल की जो बात करें अपन के कितने साउंड में आपको बजाना है, उसके लिए मैडम ने विभाग को अवगत भी करा दिया है, वो टीम आएगी, वो सेट करेगी कितने डेसिमल पे आपको स्पीकर बजाना है। जी ताहिर, तो ये खबर थी उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद प्रशासन एक्टिव दिख रहा है, जिसको लेकर उज्जैन के घटिया में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। चौथी और आखिरी खबर खरगोन से है, जहां सीएम मोहन यादव के खुले में मास्क बिक्री पर रोक के निर्देश देते ही प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। सिकड़ी में खरगोन नगरपालिका अमले ने मास्क दुकानों का निरीक्षण किया, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खरगोन से नईम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नईम, खरगोन नगरपालिका अमले ने मास्क दुकानों का निरीक्षण किया, क्या कुछ कार्रवाई की गई? तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बैठते ही पहला आदेश जारी हुआ,
उसमें मांस दुकानों को ढक के काम किया जाए, इसको लेके निर्देश जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश दिया, जिसमें नगर निकाय और फूड सेफ्टी अधिकारी द्वारा मांस की दुकानों की जांच की गई, जिसमें खुले में जो दुकानें थी उन्हें बंद कराने के आदेश दिए गए, या तो इन्हें ढक के अपने कमरों के अंदर खुले में मांस ना दिखे, इसको लेके इनको निर्देश दिए गए। जी नहीं, नियम ना मानने वाले दुकानदारों पर प्रशासन द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा कोई नियम ना मानने वाले ऐसा कोई लोग नहीं मिले, सभी ने अपनी स्वेच्छा से सब दुकानों को समेट के और अंदर रखने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं कि हम खुले में मांस नहीं बेचेंगे, इसको लेके कोई आपत्ति नहीं आ रही। नहीं, जैसा कि पता चला है कि कुछ मीट विक्रेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है, क्या कुछ कहना है ताहिर मीट विक्रेताओं का, वे किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? मीट विक्रेताओं का ये कहना है कि पहले हमें एक मार्केट बना के दिया गया है, उसमें हमारा कैंपस में है, कैंपस के अंदर हम जब वहाँ मटन बेच रहे हैं, सारी दुकानें खुली में बेचा जाता है, मगर अभी ये जगह भी हमारी कैंपस में गेट लगा के और बाउंड्री बड़ी करके इसको कर दिया जाए तो जो दिखेगा ही नहीं उसमें हमारी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हम मीट को खुला ही रख के बेच सकते हैं, इसको ढक के कमरे के अंदर बेचेंगे तो कोई नहीं आएगा, तो उसकी बाउंड्री बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और उसके ऊपर नगर निकाय ने बात की है। जी ताहिर, तो एक खबर थी खरगोन से, जहां सीएम मोहन यादव के खुले में मांस बिक्री पर रोक के निर्देश देते ही प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। सिकड़ी में खरगोन नगर पालिका अमले ने मांस दुकानों का निरीक्षण किया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, आप देखते रहिए एशियन भारत।